हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट टाइम पे स्टार्ट किया था बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन। उस चैप्टर में हमने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी रिगार्डिंग हार्ट। आज इस हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, देन आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की। फिलहाल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझिए। मैंने आपको बोला था कि जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है, एंड इन दिस 2 आर स्मॉल एंड 2 आर लार्ज साइज। ठीक है, तो जो स्मॉल साइज के हैं उनको ऑरिकल, जो लार्ज साइज के हैं उनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक लेफ्ट ऑरिकल होगा, एक राइट ऑरिकल होगा, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, राइट वेंट्रिकल होगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो नेमिंग करेंगे वो अपोजिट करेंगे, ये ध्यान रखें। अपोजिट का मतलब क्या है, ये मेरा कौन सा हैंड है बेटा, राइट, ये मेरा राइट हैंड है तो मैं यहाँ लिखूंगा लेफ्ट, और ये मेरा लेफ्ट है तो मैं यहाँ लिखूंगा राइट। और यही क्वेश्चन आपसे वाइवा में टीचर पूछ लेगा, भाई ये तो राइट गलत लिख रहे हो आप, यहाँ तो लेफ्ट होता है, यहाँ राइट होता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है ना, तो आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं है, रीज़न ये है कि ह्यूमन को आप वेंट्रली ऑपरेट करते हैं। जब आप मुझे यहाँ से काटोगे, भाई यहाँ से आपने मुझे चीरा, ऐसे फाड़ दिया, फैला दिया, हार्ट निकाल लिया, जब आप मेरे को यहाँ से कट करोगे वेंट्रली, तो आप मेरे सामने खड़े होके तो करोगे, जब सामने होके खड़े होगे, देखो आप, देखो मेरे राइट हैंड है, आप सोचो कि तो कौन सा है आपका लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट है, आप बताओ का कौन सा है, राइट है ना। ठीक, तो आप मेरे अकॉर्डिंग मेरी बॉडी का ऑपरेशन कर रहे हो ना कि अपनी बॉडी का, तो आपकी बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में मैं हूँ, तो आपकी बॉडी के अपोजिटली मेरे साइड्स होंगे, तो आपका ये राइट होगा तो मेरा लेफ्ट होगा, आपका ये लेफ्ट होगा तो ये मेरा राइट होगा। तो आंसर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, आप बोलेंगे ड्यू टू ऑपरेशन फ्रॉम वेंट्रल साइड इन केस ऑफ ह्यूमन। लेकिन अगर यही कॉकरोच लिखा होता तो कॉकरोच में राइट को राइट और लेफ्ट को लेफ्ट ही लिखते, वहाँ पर यहाँ राइट लिखते, यहाँ लेफ्ट लिखते। क्वेश्चन क्यों, ऐसा क्यों, वो ये पूछ सकते हैं कि कॉकरोच में तो हम ऐसे लिखते हैं, इसमें ऐसा क्यों है, तो आप बताओगे कॉकरोच को आप पीछे से मतलब डॉर्सली ऑपरेट करते हैं, कॉकरोच को डॉर्सली ऑपरेट करते हैं और ह्यूमन को वेंट्रली ऑपरेट, ये वेंट्रल साइड है, ये डॉर्सल साइड है, समझ में आ गया क्यों। चलो स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका हार्ट है, ठीक, हार्ट में देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन बना रहा हूँ, ऐसी लाइन रियल में होती नहीं है, रियल में होती नहीं है, बस आपके समझाने के लिए बनाई है। तो देखो दो ये छोटे चैम्बर हो गए, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, ये दो बड़े चैम्बर हो गए, लेफ्ट राइट और वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बात समझ में आ गई। हार्ट में बॉडी पार्ट से ऑर्गन, बॉडी जो पार्ट्स हैं, जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है। जो हमारे पास हार्ट है, मान लो ये हमारा हार्ट यहाँ पर है, तो हार्ट में बॉडी के अपर पार्ट से, बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड आता है। हार्ट में बॉडी के अपर पार्ट से, बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है आप बताओगे, इम्प्योर, इम्प्योर बोले तो डीऑक्सीजनेटेड बोले तो जिसमें CO2 ज़्यादा, O2 कम। ठीक, तो हार्ट में बॉडी के अपर पार्ट से, बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है। हार्ट में इम्प्योर ब्लड लाता कौन है, तो आप बताओगे अपर पार्ट से लाता है, सुपीरियर वेना कावा या प्री केवल। लोअर बॉडी पार्ट से कौन लाएगा, इन्फीरियर वेना कावा या पोस्ट केवल। और हार्ट में भी तो इम्प्योर ब्लड होगा, हार्ट का खुद का भी, तो हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, हार्ट का खुद का भी तो इम्प्योर ब्लड होगा, वो कौन लाएगा, तो वो आप बताओगे इस पूरे हार्ट पर, मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, इस पूरे हार्ट पर ब्लड वेसल फैली होंगी, इस तरह से ये बना दे रहा हूँ इस तरह से, और इनका नाम होता है कोरोनरी वेन। तो देखो हार्ट के राइट ऑरिकल में, हार्ट के राइट ऑरिकल में अपर बॉडी पार्ट से, लोअर बॉडी पार्ट से और खुद हार्ट से इम्प्योर ब्लड आता है। अपर बॉडी पार्ट से कौन लाएगा, सुपीरियर वेना कावा यानी प्री केवल। लोअर बॉडी पार्ट से कौन लाएगा, इन्फीरियर वेना कावा यानी पोस्ट केवल। और हार्ट की मसल से ब्लड कौन लाएगा, कोरोनरी वेन। ये तीनों कैसा ब्लड ला रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ पर ला रही हैं, राइट ऑरिकल में। जब राइट ऑरिकल में ब्लड भर जाएगा तो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल निकलती है, वो ये गई आ गई। तो देखो ये देखिए यहाँ तक रही है, लेकिन यहाँ तक नहीं, ये अंदर से होती हुआ रही है यहाँ पर। राइट वेंट्रिकल से निकलती है एक ब्लड वेसल, उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाएगी, इधर वाली ले जाएगी इधर वाले लंग्स के लिए,
और इधर वाली ले जाएगी इधर वाली लंग्स के लिए। इधर देखो देखो, राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी आई और दोनों लंग्स में, लंग्स यहाँ पर है ना, लंग्स में ब्लड ले गई। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, उसमें से CO2 लंग्स निकलवा देगा, O2 मिला देगा, मतलब ब्लड कैसा हो गया, प्योर। प्योर बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा CO2 बहुत कम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले राइट ऑरिकल ब्लड आया 3 पार्ट से, अपर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट और हार्ट। कौन लाया? प्री केवल, पोस्ट केवल, कोरोनरी वेन। कहाँ पर आया? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। क्यों? फॉर प्योरिफिकेशन एंड आफ्टर प्योरिफिकेशन। ये प्योर ब्लड लंग्स से वापस कौन लाएगा? पल्मोनरी वेन। लंग्स में लेके कौन गया था? पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स से लेके कौन आएंगी? पल्मोनरी वेन। दो ये हैं और दो ये इधर वाले लंग्स से, ये इधर वाले लंग्स से। ये कहाँ लाएंगी? लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ पर आया था राइट ऑरिकल में, अब कहाँ आया है? राइट वेंट्रिकल में। इसमें कैसा ब्लड आया था? बॉडी के ऑर्गन से इम्प्योर। इसमें कैसा आया? प्योर, बॉडी के ऑर्गन से। फिर देखो लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा आउटा। इधर देखो, जैसे ये यहाँ से निकली थी, ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है आउटा। पूछते ही कहाँ से आता है, तो आप बताओ फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से निकला आउटा, देखो यहाँ से निकलेगा आउटा, ऐसे करके जाएगा। इसमें 3 कट लगे हैं, इन कट से ब्लड उन पार्ट को जाएगा जहाँ से ये लाया था। और ये हार्ट के पीछे से होते हुए आ रहा है, देखो हार्ट के पीछे से होते हुए आ रहा है नीचे की तरफ, नाम हो गया डॉर्सल ओटा, क्योंकि हार्ट के पीछे कौन सी साइड है? डॉर्सल साइड। और नीचे आ रहा है इसलिए डिसेंडिंग, नीचे जाने को डिसेंडिंग बोलते हैं, डिसेंडिंग ओटा। ये लोअर पार्ट को ब्लड देगा जहाँ से ये लाया था। भाई अपर पार्ट से ये लाया था तो उसको ब्लड कौन देगा? ये अपर ओटा। और लोअर पार्ट से कौन लाया था? ये, तो लोअर पार्ट को कौन ब्लड देगा? डॉर्सल ओटा। फिर हार्ट को भी तो देना है, हार्ट को कौन दे रहा है? हार्ट से लेके कौन जा रहा था? कोरोनरी वेन। ऐसे ही रेड कलर की ब्लड वेसल होंगी, हार्ट पर रेड कलर की ब्लड वेसल होंगी और वो हार्ट को प्योर ब्लड देंगी, नाम होगा कोरोनरी आर्टरी। तो हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी। हार्ट से इम्प्योर ब्लड कौन ले जाता है? कोरोनरी वेन। तो ये बात समझ में आ रही है पूरी? तो फिर से देख लो एक बार, हार्ट में 3 प्लेसेस से ब्लड आएगा, अपर बॉडी पार्ट प्री केवल, लोअर बॉडी पार्ट पोस्ट केवल। आगे ब्लड, फिर हार्ट को ब्लड कौन देगा? कोरोनरी वेन। हार्ट से ब्लड लेके जाएगा ये, राइट ऑरिकल भर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर पल्मोनरी आर्ट से, आर्टरी से लंग्स में जाएगा। प्योर होने के बाद पल्मोनरी वेन से यहाँ पर आएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ओल्टा निकलेगा, अपर कट से अपर पार्ट को, डॉर्सल ओल्टा से लोअर पार्ट को, और कोरोनरी आर्टरी से हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने हार्ट का स्ट्रक्चर और उसका मैकेनिज्म देखा, ब्लड के ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसी का इंटरनल पढ़ाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।